अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ यम्मी रेसिपी। आई होप आप सब अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक होंगे। तो आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो इस डिश का नाम है नॉन वेज खिचड़ी, या आप खीमा खिचड़ी भी कह सकते हैं। ओके, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है, सिर्फ 20 मिनट से बन जाती है गाइस। यू कान बिलीव दिस रेसिपी, और बहुत आसान सा है प्रोसेस और इन्ग्रीडियंट। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें। ओके, तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट प्लस प्रिपरेशन देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट बहुत ही इजी से है, बहुत आसान सा है। ओके, तो यहाँ पे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है ये है रेड लेंटिस हाफ कप, इसे नॉर्मली मसूर दाल भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे है येलो स्प्लिट ग्राम हाफ कप, तो ये ना मूंग दाल भी कहते हैं इसको। तो इसको सोक करना है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप वाटर ले लिया है, और इसको रेस्ट करने के लिए यानी सोक करने के लिए वाटर डाल दिया है 1 कप। तो यहाँ पे इसको 5 मिनट्स तक सोक कर लेंगे, या आप सोक कर नेक्स्ट प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है सोना मसूरी राइस 1 kg, मीन्स मसूरी चावल जो कहते हैं वो है 1 kg। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, और बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ, और 6 से 7 चिली, स्पाइसी चिली। ओके, तो यहाँ पे है 500 ग्राम खीमा, और यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने ले लिया है लवंग, इलायची, बड़ी इलायची। ओके, यहाँ सिनेमन स्टिक्स है, और फूल, और ब्लैक पेपर, और तेज़पत्ता यानी बाय लीव्स, ये 3 है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स प्रिपेयर किया है, चिल्ली, मिंट फ्लावर, मिंट लीव्स और कोरिएंडर को पीस कर क्यूब्स बना लिया है, तो ये 2 क्यूब्स हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है, और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। तो अब इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पे सारे स्पाइसेस जो मैंने ले लिया था वो डाल दिया है। तो ऑयल अच्छी तरह कुक हो जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप मैं डालूँगी प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था। तो प्याज को अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे ऑयल में, मीन्स गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह स्टर करते हुए ऑयल में ना सॉटे कर लेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। ओके, तो आप देख सकते हैं इसी स्टेज में अब हम डालेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस कर ले मिडिल में। तो नेक्स्ट स्टेप अब मैं डालूँगी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। ओके, तो यहाँ पे 2 टीस्पून चला गया, और इसके बाद इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, यानी जो अनियन है उसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके, यानी सॉटे कर लेंगे ऑयल में। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने ले लिया है ग्रीन चिली जो मैंने 6 से 7 चॉप कर लिया था, ये स्पाइसी ग्रीन चिली है। ओके, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप ये क्यूब्स चले गए हैं, तो ये क्यूब्स को मेल्ट होने तक वेट करेंगे, यानी जो ऑयल है उसके अंदर सॉटे हो जाना चाहिए जो हमने स्पाइसेस ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले, और जाएगा टमाटर जो हमने चॉप कर लिया था, इसको भी अच्छी तरह मैश करते हुए मिक्स कर ले। और यहाँ पे नेक्स्ट है खीमा। ओके, ये है 500 ग्राम, तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर ले, यानी सॉटे कर ले जो हमने स्पाइसेस ले लिया था। तो सारे में इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉटे हो रहा है, यानी मिक्स हो गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, यानी हल्दी पाउडर। ओके, तो ये भी डालकर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। और यहाँ पे जो हमने मूंग जो हमने दाल ले लिया था, वो दोनों दाल ना अब सोक हो गए हैं, 5 मिनट्स हो गए हैं सोक करके, तो दोनों दाल ना इसमें डाल दें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ओके, जो खीमा है उसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून साल्ट ले लिया है, यानी नमक, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ओके, तो नमक डालकर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लें, इसका तो क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको लिड लगाकर 5 मिनट्स तक कुक कर ले। ओके, मीडियम फ्लेम रखे। ओके, तो यहाँ पे 5 मिनट्स हो गए हैं, आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी हियर जो
कीमा है वो अच्छी तरह गल गया है और जो दाल जो हमने दाल डाल दिया था वो भी अच्छी तरह कुक हो गया है। तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जो होता है वो 2 टीस्पून ले लिया है। तो 2 टीस्पून डाल दें, उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। ओके, तो माशाल्लाह से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें गाइस और शेयर करें, और यहाँ पे 2 मिनट्स तक फिर से ढककर कुक कर लें। तो ये रेडी हो गया है, सिर्फ हम चावल डालेंगे अब, यानी जो राइस है उसको ना 2 to 3 वाटर में अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद यहाँ पे यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पे राइस चला गया है, इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और यहाँ पे हम वाटर लेंगे, जितना हमने राइस लिया उसका डबल वाटर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 kg राइस ले लिया था, तो उसका डबल मैंने वाटर ले लिया, यानी डाल दिया है वाटर। तो यहाँ पे वाटर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें वाटर को, एंड जो स्पाइसेस जो है जो वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 टेबल स्पून साल्ट ले लिया है, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसको ढक कर कुक कर लें। तो आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पे जो चावल थे यानी जो राइस है वो आधा कुक हो गया है। तो अब हम इसको लो या सॉरी मीडियम फ्लेम पर इसको दम करने पर रख देंगे दम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे राइस माशाल्लाह से कुक हो गया यानी प्रिपेयर हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दे, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए सर्व कर लें यानी डिश आउट कर लें। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी इजी सी रेसिपी, इतनी टेस्टी है और ये बहुत इंस्टेंट सी है और हेल्दी रेसिपी है गाइस। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो, अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करें। और यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।